और वजीर आजम पाकिस्तान के बाद अली जैदी ने भी आवाम को ना घबराने का मशवरा दे दिया। विपक्षी वजीर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए अभी तकालीफ बर्दाश्त करना होगी, इदारों की इस्तेदादे कार बढ़ानी होगी। जिस मुल्क के पास कराची जैसे बड़े शहर हों, वो कर्जे लेने वाले मुल्क नहीं, कर्जे देने वाले मुल्क होते हैं। सो हमने अब हर जगह पे कोई ना कोई रेगुलेशन लाने की जरूरत है, और जब हम रेगुलेशन, ये मैं इसलिए बात बड़ी कर रहा हूँ कि जब जिस तरह हम शिप ब्रेकिंग में रेगुलेशन लेके आ रहे हैं या मैरीटाइम के दूसरे सब्जेक्ट्स में ला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है और मुश्किलात हैं। तो ये जो पेन्स हम ले रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं, ये हमें इससे गुजरना पड़ेगा। जब प्राइम मिनिस्टर हर वक्त कहते हैं ना घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम बैठते हैं रोज और हम देखते हैं किस तरह के पेन्स आ रहे हैं, किस तरह की हमें व्हाट आर वी फेसिंग इन दिस कंट्री। जिस मुल्क में कराची जैसा शहर हो, ऐसी कोस्टल बेल्ट हो, इतना टैलेंट हो, वो मुल्क कर्जे देने वाले मुल्क होते हैं, कर्जे लेने वाले नहीं होते।